साथियों, जैसा कि अभी अभी माकन जी ने आपको कहा, पिछले 50 दिनों में 9000 सुझाव हमें मिले हैं घोषणा पत्र के लिए। इस पर घोषणा पत्र की समिति विचार करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1.5 महीने के अंदर और भी हमें सुझाव मिलेंगे। हमारा मकसद है जनवरी के अंत तक हमारा घोषणा पत्र तैयार हो जाएगा और हम चाहते हैं कि हमारे घोषणा पत्र पर 1.5-2 महीने तक सार्वजनिक तौर से एक पब्लिक डिबेट भी हो। तो वेबसाइट एक माध्यम है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में सुझाव आ रहे हैं। इसके अलावा हम हर PCC और हर DCC से भी सुझाव मांग रहे हैं, कई प्रदेश कांग्रेस समितियों से और कई जिला कांग्रेस समितियों से भी हमें सुझाव मिले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय घोषणा पत्र में जो महत्वपूर्ण राज्य के स्तर पर मुद्दे हैं उसका भी जिक्र हो। एक नेशनल मैनिफेस्टो को एक राज्य के स्तर पर ज़रूर फोकस होना चाहिए और इसलिए हमने पहली बार PCC और DCC से भी सुझाव मांगे हैं। तीसरा जो रास्ता हमने अपनाया है सुझावों के लिए, हमारे घोषणा पत्र समिति के जो सदस्य हैं वो अलग अलग संस्थाओं से विचार विमर्श करेंगे। उनके क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं, जो व्यक्ति हैं जो काम करते हैं, मिसाल के तौर से उद्योग और वाणिज्य मंत्री उद्योग से जुड़े हुए संस्थाओं से बात करेंगे, वित्त मंत्री अर्थशास्त्रियों से बातचीत करेंगे, ग्रामीण विकास मंत्री जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में से जुड़े हुए हैं संस्थाएं हैं उनसे बात करेंगे। अलग अलग सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये विचार विमर्श इस महीने के अंत तक समाप्त होगा और उससे भी हमें सुझाव ज़रूर मिलेंगे। चौथा जो रास्ता हमने अपनाया है वो है जन विचार का। 5, जैसा कि अभी अजय ने कहा, 5 विषयों पर अलग अलग जगहों पर विचार विमर्श होगा। आज हमने शुरुआत की है, 6 घंटे तक दलित, आदिवासी और OBC सशक्तिकरण के लिए हमने अब तक क्या किया है, क्या उपलब्धियां रही हैं कांग्रेस सरकारों की और क्या करना बाकी है, उस पर हमने 6 घंटे तक बातचीत की। 1.25 घंटे तक खुद उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी मौजूद थे। हमारे देश के अलग अलग राज्यों से 235 सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति संगठन, 235 व्यक्तियों ने भाग ली, करीब 135 संगठन भी मौजूद थे और जैसा कि मैंने कहा 6 घंटे तक ये विचार विमर्श चला। इस पर भी एक नोट आपको दिया जा रहा है कि मुख्य मुद्दे क्या उठे और 1.25 घंटे तक हमारे उपाध्यक्ष मौजूद रहे और ये जो जन सम्मेलन है ये उन्हीं का उपाय है, उन्हीं के कहने पर हम ये कर रहे हैं और वो हर एक जन सम्मेलन में मौजूद होंगे। हम सुनेंगे, सुझाव को हम ज़रूर
जब घोषणा पत्र की तैयारी की जाएगी उसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे। अपने वक्तव्य में राहुल गांधी जी ने कहा कि उनका मकसद है राजनीति के दरवाजे को खोलना। अब तक राजनीति खुले कमरों में नहीं, बंद कमरों में, बंद खिड़कियों में के पीछे की जा रही है। और मिसाल के तौर से घोषणा पत्र भी, क्योंकि मैं 1991 से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि मुश्किल से 7 लोग तैयार करते हैं घोषणा पत्र, और मुश्किल से 100-150 लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि वो इस प्रणाली और परंपरा को बदलना चाहते हैं, न केवल बदलना चाहते हैं परंतु बाहर फेंकना चाहते हैं, और वो घोषणा पत्र की तैयारी में तमाम लोगों की विचार लेने के लिए अलग अलग उपाय कांग्रेस पार्टी अपनाएगी, अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करेंगे। और आज हमारे वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री मौजूद थे, शैलजा जी मौजूद थी, वीरप्पा मोइली जी मौजूद थे, किशोर चंद्र देव मौजूद थे, और मैं तो पहले से भी वहीं था। ये एक और बात राहुल गांधी जी ने कही जो बहुत महत्वपूर्ण है कि घोषणा पत्र पर हमारे देश में बहुत सिनिसिज्म होता है। अरे घोषणा पत्र क्या है, घोषणा पत्र को पढ़ता कौन है? जो लिखता है और जो उस पर एडिटोरियल लिखता है अगले दिन, बस वही दो लोग पढ़ते हैं, और जो कभी कभी गलती से रिपोर्टर भी उसकी रिपोर्ट देते थे तो 3 लोग घोषणा पत्र पर ध्यान देते हैं, और एक दिन का न्यूज़ बनता है और उसके बाद घोषणा पत्र को भूल जाते हैं। ये एक नज़रिया है, कई लोगों का मानना है कि घोषणा पत्र का कोई महत्व ही नहीं रहता है हमारे चुनाव में। पर राहुल गांधी जी ने कहा एक बात जो सोचने की बात है और दोहराने वाली बात है कि अगर आप हमारी 2004 की घोषणा पत्र को देखें, लोकसभा 2004 की कांग्रेस की घोषणा पत्र को देखें, जो बड़े बड़े हमने वादे किए थे उस घोषणा पत्र में, हमने उसको पूरा करके दिखाया है। मिसाल के तौर से RTI, हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थे जिनके घोषणा पत्र में ये वादा शामिल किया गया था, और RTI आज हकीकत है। हालांकि कभी कभी RTI हमारे खिलाफ ही लागू होता है, पर फिर भी RTI से एक हमारे देश में क्रांति तो ज़रूर आई है। महात्मा गांधी नरेगा एक दूसरा बड़ा वादा था हमारे 2004 के घोषणा पत्र में, जो हमने 2006 में पूरा किया। 2004 के घोषणा पत्र में हमने आदिवासियों के अधिकारों पर काफी जिक्र किया विस्तार में, और वन अधिकार अधिनियम का भी हमने उल्लेख किया था, और 2006 में पार्लियामेंट में वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित हुआ। 2009 के घोषणा पत्र में अगर आप देखें, दो बहुत बड़े वादे, खाद्य सुरक्षा कानून और नया भूमि अधिग्रहण कानून, दोनों भी हमारे घोषणा पत्र में शामिल थे और हमने उसको पूरा किया। तो राहुल गांधी जी का कहना था कि हमारे लिए घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा ही नहीं, सिर्फ कोई वादे, झूठे वादे ही नहीं, पर हमारे लिए एक गवर्नेंस का एजेंडा बन जाता है, और जो हम घोषणा पत्र में शामिल करते हैं
हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसको हम लागू करें। हम झूठे मूठे वादे तो नहीं कर पाएंगे, इनकम टैक्स को खत्म कर दो, वो टैक्स को खत्म कर दो, ये सब झूठे वादे हम नहीं करने वाले हैं। जो वादे हम करते हैं हम उसको पूरा करेंगे। इसीलिए घोषणा पत्र को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये सिर्फ चुनावी मैनिफेस्टो नहीं है, परंतु ये हमारे लिए प्रशासन के लिए, जब हमारी सरकारी बनती हैं, प्रशासन के लिए एक मार्गदर्शन भी होता है। तो आज पहला जन विचार मंच था, और अगले डेढ़ महीने में जनवरी के अंत तक सारे 5 जन विचार मंच होंगे। और जैसा कि मैंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार फरवरी के पहले हफ्ते में हमारा घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। और इस बार आप देखेंगे कि 2014 का घोषणा पत्र काफ़ी 2009 और 2004 की तुलना में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अलग अलग मुद्दों पर हम जिक्र करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पर, राज्य के स्तर के मुद्दों पर, और जो सुझाव हमें मिले हैं और मिलते जा रहे हैं उसको भी हम शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये खुले राजनीति का एक संकेत देता है। जो राहुल गांधी जी बार बार दोहराते हैं, दरवाजे खोलना चाहते हैं, बंद राजनीति को खुले राजनीति में परिवर्तन करना चाहते हैं, एक घोषणा पत्र एक छोटा सा मिसाल है। जैसा कि अजय माकन जी ने और जयराम रमेश जी ने बताया, आज की ये 6 घंटे की चर्चा काफ़ी व्यापक थी और बहुत ही सार्थक चर्चा रही। और आज जो समाज के 3 वर्ग थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, एक तरह से समाज का जो वंचित वर्ग है, उस संदर्भ में बहुत चर्चा हुई। जो कार्यक्रम, जो योजनाएं अब तक के लागू करी उसकी भी जानकारी सभी के सामने रखी, और बहुत अच्छे सुझाव भी, रचनात्मक सुझाव ये पूरे चर्चा के दौरान आज यहाँ पर रखे गए। हम ये मानते हैं कि घोषणा पत्र यानी सिर्फ आश्वासनों का एक दस्तावेज बनकर ही नहीं रह जाता, बल्कि हमारे लिए ये एक मौका होता है कि हम पूरे देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और कौन सा रास्ता हम लेना चाहते हैं, ये भी हम अपने घोषणा पत्र के ज़रिए पूरे मुल्क के सामने रखते हैं। आज की स्थिति में ऐसा है कि हमारी सरकार ने जो 3-4 महत्वपूर्ण काम अनुसूचित जातियों के संदर्भ में किए, उस पर पहला काम जो 21वीं शताब्दी में मैला ढोने की प्रथा आज भी चल रही है उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक बहुत सख्त कानून बनाया है। और ये हम समझते हैं कि सम्मान से ज़िंदगी जीने के लिए एक ऐसे वर्ग के लिए ये कानून बना है जिसके दूरगामी परिणाम समाज के इस हिस्से के लोगों को ज़रूर मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण काम कि अगर 2003-04 में महज 20 लाख छात्र छात्राओं को अनुसूचित जाति की अगर शिष्यवृत्ति मिला करती थी, तो आज वो 20 लाख से बढ़कर करीब 1 करोड़ छात्र छात्राओं तक के पहुंच गई है। तो ऐसी तमाम चीज़ें सामने रखी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सुझाव भी सारे लोगों ने आज की चर्चा के समय रखा, तो इससे आगे बढ़कर आवास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे तमाम विषयों पर आज चर्चा में जानकारी रखी गई। ओबीसी के संदर्भ में, शेड्यूल ट्राइब के संदर्भ में भी फॉरेस्ट राइट एक्ट को और प्रभावी तरीके से
कैसे लागू किया जा रहा है उसकी जानकारी भी संबंधित मंत्री किशोर चंद्र देव जी ने आज के इस चर्चा के दौरान रखा। डीनोटिफाइड ट्राइब्स भी आज उस वर्ग पर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई, क्योंकि इनकी गिनती आबादी में कितनी है वो भी आज अनुमान हम नहीं लगा पाते हैं, इनके प्रश्न बहुत अधिक हैं, तो डीनोटिफाइड ट्राइब पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कुछ हैंडआउट में हमने जानकारी दिया है कि अलग अलग कौन कौन सी बातों पर ध्यान आकर्षित किया गया। एक ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान, जो 1974 और 1980 में इंदिरा जी ने पहल करी थी, आज भी उसमें कुछ कमियां हैं, उसको भी और प्रभावी तरीके से लागू करने के बारे में कई सुझाव वहां पर आए। मैं ये समझता हूं कि जब घोषणा पत्र के तमाम सुझाव लोगों से सामने आएंगे तो उस पर फिर समिति में विचार विमर्श होगा और अंतिम रूप हम जो देंगे वो फिर आपके सामने हम रख पाएंगे। The participants of this consultations were primarily the civil society members, those who have been participating in various movements espousing for the cause of SCs, SPs, OBCs. They were all from the grassroots. So the kind of insights they have brought to the consultations have actually informed and is going to shape the kind of policies, programs, legislations we are going to bring out as a promises in the election manifesto of 2014. Prominent among the suggestions that have come from various groups, as mentioned by Mukulji, both the SC, ST groups have strongly advocated for a central legislation on scheduled caste subplan, tribal subplan, because they see this as an instrument to accelerate the development of scheduled caste, scheduled tribes, and to bridge the gaps between the scheduled caste, scheduled tribes when compared to the socially advanced classes. There has been a policy on the SCSP, TSP, but the implementation was not right. There were many problems. There were diversion of funds. Schemes were not properly taken up. So to address all these problems, there is a proposal for bringing out a legislation. Most of the participants have strongly requested, urged for including this in the election manifesto. Along the lines of Andhra Pradesh. Along the lines of a similar legislation that was already brought out by the Andhra Pradesh last year, and about a week back by Government of Karnataka, a similar legislation was brought out. The participants also have strongly urged for passage of reservation bill, which is under the consideration of the parliament. They have also highlighted the need for bringing out the constitutional amendment bill to provide for reservation in the promotions. Government have recently introduced an amendment to Prevention of Atrocities Act. They have requested for passing this act because they firmly believe that the amendments were aimed at ensuring effective implementation of prevention of atrocities against SCSTs. The general inputs that have come from all the groups clearly bring out the aspirations of SCST OBCs for securing access to quality education, access to health, access to employment, and access to sustainable livelihoods. So that way, very valuable input has come, and we are very sure that it will definitely enhance the quality of the kind of things that are going to come in the election manifesto of 2014. Thank you.